दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लीकर पॉलिसी केस में 15 अप्रैल तक जुडिशियरी कस्टडी में भेजा गया। कमर्शियल 19 केजी एलपीजी गैस सिलेंडर 30 से 32 रुपया कम हुआ, देश भर में नए रेट लागू हुए। मरहूम मुख्तार अंसारी के घर वालों से मिलने गाजीपुर पहुंचे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कोई पुलिस से पंगा लेना पड़ा महंगा, बैंड्रा रिक्लेनेशन पर बाइक स्टंट करने वाले 7 बाइकर को गिरफ्तार किया। मोदी की गारंटी चाइना का माल है, गोविंदा का गाना तुम तो धोखेबाज हो सुनाया आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने। 2 मुस्लिम कैंडिडेट सहित 11 उम्मीदवार के नाम की लिस्ट का ऐलान किया वीबीए प्रकाश अम्बेडकर ने, महाराष्ट्र में मुंबई से 1। 11 करोड़ की कोकेन ड्रग से भरी 74 कैप्सूल फॉरेन नेशनल की बॉडी से बरामद की डीआरआई ने, मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स स्मगलिंग का मामला आया सामने। 27 से 31 मार्च के दरमियान मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का मामला आया सामने, कस्टम डिपार्टमेंट ने 6 करोड़ से ज्यादा की गोल्ड एयूडी 37,000 फॉरेन करेंसी भी की सीज। बीएसटी बस में फ्री में ट्रैवल करने वालों से 37 लाख से अधिक का फाइन वसूला गया इस साल जनवरी से मार्च के दरमियान। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली मैच को देखते हुए मुंबई पुलिस ने की थी अपील, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन किया था जारी। गुवाहाटी एयरपोर्ट के प्रमाइसिस पर रूफ हुई कोलैप्स, तेज बारिश के चलते कई फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। तलवार कोयता धारदार हथियार सहित 2 लोग गिरफ्तार, चोरी के ऑटो रिक्शा भी बरामद की थाने सिलजाईगर पुलिस ने। एमआईएम का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, अपना दल के साथ लड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन। इंडिया लेंसेस की 5 डिमांड, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में की गई थी महारैली। शातिर बाइक चोर को कल्याण क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 4 बाइक की बरामद। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन सस्ते में कपड़े सेल करने का ऐड दिखाकर लोगों को लूटने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने। काशीमीरा पुलिस ने 4 पिस्तौल 59 जिंदा कारतूस बरामद किया। रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा साकिना का, पुलिस ने भाईचारा एकता का पैगाम दिया। बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक ने पति करण बख्शी के साथ बेबी बॉय का स्वागत किया, उसका नाम जोरावर रखा। बोरेवली स्टेशन को मिलना चाहिए बसूरत स्टेशन का पुरस्कार, मुंबई कर ने लोकल स्टेशन पर साफ सफाई की कमी पर जताई चिंता। ओशीवाड़ा पुलिस ने शादी की आड़ में 26 साल की अभिनेत्री का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी में कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर सर्वे का 2रा चरण शुरू हुआ। गर फैजल बुरिया के साथ म्यूजिक वीडियो में प्रोहिबिटेड स्नेक को दिखाने के लिए एलवी यादव के खिलाफ एक नई FIR दर्ज हुई। बीएमसी के डायरेक्टिव के उल्लंघन के आरोप के बीच निवासियों ने शिवाजी पार्क जिम खाना रिडेवलपमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग IPL 2024 क्लासिक के बाद MS धोनी ने आइजा ग्राउंड स्टाफ के साथ तस्वीर खिंचाई।